रेल स्टेशन निकटस्थ एक छोट ढाबा अग्निकाण्ड राउरकेला गुड़गोला और बंधुक सह तीन अभियुक्त गिरफ्त। स्कूल छात्री को अपराधरण कर फेरार प्रधान शिक्षक बंधा होगले जेल। भिजिलेंस सेलरी सुंदरगढ़ वन विभाग कर्मचारी लांच। नुआगाँ रेल फाटक निकट में दुर्घटन जनकर मृत्यु। वीरमित्रपुर समलेश्वरी मंदिर में महासप्तमी पूजा। शहीद बाजी राउत शहीद दिवस पालित। बस्तीवासी समस्या को नहीं गोपबंधु पल्ली में आम आदमी पार्टी वार्ड सभा। राजगांगपुर अंचल अचल कंपानी स्क्राप चोरी कर दुई गिरफ। आरएसपी रे श्रमिक संगठन स्वीकृति निर्वाचन निमंते बैठक। राउरकेला पुलिस द्वारा बहुत परिमाण में गंजे जबत और चारि गिरफ। राउरकेला रेल स्टेशन निकटस्थ एक छोट ढाबा गैस लीक हो अग्निकाण्ड घटी। ए संपर्क में सूचना पाई राउरकेला सरकारी अग्निशम बाहिनी तुरंत पहुंची अग्नि को आयत्त करते। विशेष किसी क्षयति होना। सूचना मुताबक ढाबाटी रेल स्टेशन निकट में क्रॉसरोड मॉल रो पाचेरी को लागी रही थिला। सोमवार पूर्वाह्न ढाबारे घर रंधन गैस सिलिंडर रु लीक हो निया लागी जाइथिला। एथरे ढाबारे किछि अंश पोड़ी जाइछि। अन्य पक्षरे व्यावसायिक उद्देश्य रे घरोई सिलिंडर व्यवहार किपरि होउथला ताहा बे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। सेबिली अग्निकाण्ड होइथिबा स्थानकु लागि एकाधिक दोकान एवं बजार थिबारु अग्निशम कर्मीक समयोचित पदक्षेप जोगु अग्निकाण्ड जोगु अधिक क्षयक्षति को रोका जाय परिछि। छोटिया ढाबा थिला हमरो स्टेशन पाखरे तो एठी गैस सिलिंडर रो निया लागि छै खबर पाइले तो बाकी निया लिभी गला परे आ किछि ना देखु आप कमर्सील सिलिंडर यूज करा कथा सी डोमेस्टिक सिलिंडर यूज करते तो सप्लाई डिपार्टमेंट देखा कथा घटना बड़ घटना बर्तमान बंची गला ना छानबीन तो चेकिंग करते जो कनसर्न अथरिटी अच्छे से चेकिंग करा कथा जो मैंने होटेल को लाइसेंस दौरान सांगे आम जो मैंने गैस सिलिंडर जो सप्लाई जो मैंने अच्छे से देखा कथा गोटा हाँ सामान्य क्षति है अल्प तो पड़ी जहाँ देखा आसमी किसी है विशेष क्षति है निभाई। राउरकेला सिविल टाउनशिप अंचल तीन जन अपराधी को रघुनाथपाली थाना पुलिस पक्षर गिरफ्त कर। गिरफ तीन जन होती बंटी ओरफ वशिष्ठ महांती रोनी ओरफ जज्ञाशी स्वाई और अमित कुमार साहू। एमानक निकटरु तीनिटी बंधुक 55 अफुटा गुड़ी 50,000 टंका एक पजरो कार हाथ बोमा एवं बाइक आदि जबत करा जायछि। गिरफ अभियुक्त माने विभिन्न मारणास्त्र व्यवहार करी राउरकेलार शिल्पपति व्यवसायी बाली माफिया क्रसर मालिक मानंकु दादाबटी मागुथिले बोली एक सांबादिक सम्मेलन रे राउरकेला एसपी मुकेश कुमार भामु कहिछन्ती। यह घटनार तदंत चलता बेले गैंग्रे आउ केते जन सदस्य अछंती सेमने केबेठू धमकाई टंका आदाय करुथिले एवं केते टंका आदाय करिछंती सेने पुलिस खोलताड़ करुथिबा सूचना देइछंती एसपी मुकेश कुमार भामो। सेइबळी एही तीन जनक मध्यरु वशिष्ठर नामरे राउरकेलार विभिन्न थाना एकाधिक मामला रहितला बेले अमित साहू नामरे मध्य उदित नगर थाना एक अपराधिक मामला रहितला। देखंतु आज अरंगपल्ली पुलिस स्टेशन रे गोटे आर्म सेक्ट गोटे केस है 179 नंबर केस है सीटा आम 3 7 mm पिस्टल 20 तार लाइव एमुनेशन 4 इम्प्रोवाइज बम और 35 SLR ऑटोमेटिक वेपन आम सीज करूँ आम गोटे पजेरो कार गोटे एफआरसी गोटे स्कूटी और 50,000 टाँग सीज कर जो ये जिन सेक्टर पर हमें सीज करुच्छे हमें इम्पोर्टेंट इश्यू थी जानवाक चाहते कि कौन तार उद्देश्य था से गोटे नेक्सस हिसाब से काम करुले होती गोटे NDPS से माने लोक माने NDPS को बिक्री करेंगे से कंधमाल साइड रू NDPS आने झारखंड बिक्री करेंगे बिक्री करापर से केसटा आसटा आटर से एमुनेसन लेकिन आसो से एमुनेसन को एक्सटोर्सन डकैती यूज करेंगे ताको जिते पर्यटन आम स्मॉल इंट्रोगेशन होटर से जाना पड़ी कि मेन उद्देश्य था किसी सिविल टाउनशिप रे किसी लोक टार्गेट करेंटार अमित इम्पोर्टेंट रोल थी जो थर्ड एक्यूज अच्छे से आइडेंटिफाई करके नाम दे कि ए लोक मैंने
टे बेसी पैसा पत्र लोक अच्छा से टार्गेट करते गाड़ी से बमटा मारे किंबा फायरिंग करेंगे फायरिंग करके सेपटर एक्सटोर्सन स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे या किंबा बिजनेस रईबल दी जो बालूघाट प्लांट और प्रेसर से तीन टा ओनर को से टार्गेट करते एवं जितेटा स्मल इंट्रोगेसन होता आम जमापड़ी कि भितर किसी और लोक मैंने भी अच्छा ताको भी पुलिस खूब शीघ्र धरा देवे गोटे अन्य फैक्ट आम सामने आखिर अन्य किए अफसर मैंने भी जो अच्छी आम से फैक्ट आपरि बट तदन है गोटे रोज फैक्ट जब आम आसपुर जनइबे और से हिसाब से आज पर्यटन किसी लोक मैंने अलरेडी पैसा दे सारी से लोगों नामटा इंट्रोगेसन पर जाना पड़ो जदि एमसी घटना अच्छी से लोगों को भी पचार पचारी करेंगे कितने पैसा देखा एक्सप्रेसन हिसाब से ड्राइवर के यहाँ है आज घटना बाकी लोगों को हमें नाम आइडेंटिफाई करूँ खूब शीघ्र भी धरदे से कहते तार मेन लिडर होती अर्जुन राणा नाम से काम कर तार डायरेक्शन से काम कर नाम आगुरी भी दुईटा केस थी गोटे 2017 मसीह केस होता से जेल भितर भी थी से समय तक फ्रेंडसीप होता से हिसाब से अब तक से झारखंड मनिटर करदेश काम कर गोटे बंटी जो नाम लोक अच्छे तार वशिष्ठ महंती तार नाम अलरेडी सातटा केस अच्छी भितर आर्म सेक्टर भी गोटे केस थी और बर्गलरी केस भी अच्छी नाम और आर्म सेक्टर भी नाम केस अच्छे सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर थाना अंतर्गत कुटनिया ग्रामर पंचायत हाईस्कल जन छात्री को अशुदाचरण करे प्रधान शिक्षक जेल जाइछन्ति। सूचना मुताबक जने नवम श्रेणी छात्री ट्यूशन जाइथिबा समय रे स्कूल प्रधान शिक्षक विमुत किशोरी दास से ही नाबालिका छात्री को जोर जबरदस्त दुष्कर्म करबा नै अभियोग होइथिला। नाबालिका जनक तांको कबलरु रक्षा पाई घटना विषय रे तांको परिवार को जणैथिले। परे ग्रामवासी सह एक बैठक लागि शिक्षकंकु डका जाइथिबा सत्वे शिक्षक आसिनथिले। एही घटना संपर्क रे राजगांगपुर थाना रे लिखित अभियोग करिथिले। अभियुक्त शिक्षकंक संपर्क रे पुलिस सूचना करिबा सह शिक्षकंकु गिरफ करि कोर्ट चालान करा जाइछि। उठवा बेले विजिलेंस हाथरे धरा पड़िले सुंदरगढ़ बनखंड डीएफओ कार्यालय रे कनिष्ठ किराणी भाबरे कार्य करथुबा श्रीकांत होता किंजीरकेला अंचल 50 बालांक ठारु 10,000 टंका लांच नेउथुबा बेले विजिलेंस हाथरे धरा पड़िछंती श्रीकांत। बापा हाथी आक्रमण रे मृत्यु होइथिबा कागजपत्र प्रस्तुत करी सहायता पाइबा निमन्ते किराणी श्रीकांत होता 10,000 टंका लांच मागिथिले। एहा परे 50 बाला 10,000 टंका धरी डीएफओ कार्यालय को आसी किराणी को टंका देउथुबा बेले माड़ी बसीथिला राउरकेला विजिलेंस विभाग रो अधिकारी और कर्मचारी। एने अधिक तदंत जारी रही। सुंदरगढ़ जिला नुआगाँ ब्लॉक अंतर्गत नुआगाँ रेल स्टेशन आड़क जाइथिबा रेल लाइन रो एक फाटक निकट रे दुर्घटनाग्रस्त होई जने व्यक्ति रो मृत्यु होई। सूचना मुताबक पुरुणापाणी अंचल रे रहुतबा अजय नायक एक ब्यांक रो कलेक्शन एजेंट भाबे कार्य करंती। सोमवार दिन से निज काम सारी एक मोटरसाइकल रे फेरुतबा समय रे गाड़ी रो भारसाम्य हराई रेलबाई फाटक रे पिटी होई जाइथिले। सेठारे तांकर अवस्था गुरुतर होइतिला। तांकु हातीबारी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को अणा जाइथिला। डाक्टर सेठारे तांकु मृत घोषणा करथिले। गजानन वैरायटी स्टोर ए हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल एंड साड़ीज जेंट्स लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज की रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी लहंगा सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियां ही साड़ियां एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोंड सियाराम अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टिंग केलर लोमेन इंटरग्रिटी ड्यू क्लासिक पोलो जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर लेडीज वियर बॉयज गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखे हमारी कोई ब्रांच नहीं है ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर पावर हाउस रोड राउरकेला। मोबाइल नंबर 9437043135।
यूनिक मोटर कॉर्पोरेशन TVS पानपोष का बम्पर पूजा धमाका पूजा धमाका TVS पेप प्लस और TVS जेस्ट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपाची 164V लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.99 अपाची 164V कैशबैक रुपीस 2500 अपाची 204V कैशबैक रुपीस 4000 एक्सेल 100 HD ITS लो EMI ओनली रुपीस 49 पर डे जुपिटर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.99 TVS क्रेडिट फाइनेंस की सुविधा भी आपको दी जा रही है पूजा धमाके का लाभ उठाएं आज ही आए यूनिक मोटर कॉर्पोरेशन TVS शोरूम त्रिदेव होटल के पास पानपोष फोन नंबर 8114372181 ई वर्षा दुर्गा पूजा ने उत्सव भी हवा और फैशन भी हवा ई पूजा रे धमाका मचावा के वी मार्ट आर थरे आनी छे आपन मन कर पसंद रो लेटेस्ट डिजाइन रो ड्रेसेस रो कलेक्शन तार संगे संगे बढ़िया ऑफर 2500 टंका रो शॉपिंग करी पाउन 1000 टंका रो गुटे बेडशीट आर दुईटा पिलो कवर मात्र 99 टंका ने 5000 टंका रो शॉपिंग करी गरी पाउन गुटे सुनार कॉइन पूरा फ्री आज ही ऑफर रो सोना दिलों को करीब लाता है सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है सोना ही नए रिश्तों को समेटता है सोना ही रिश्तों के धागे को मजबूत करता है सोना रिश्तों को जोड़ता है सोना ही लम्हों को रोशन करता है Jewelers of Generation Jai Hind and Sons Jewelers Main Road Raurkela मैं काढ़ा के बारे में बता रही हूँ कि आज की जो महामारी का जो समय चला है लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं या क्या पिएं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे लोगों का देखते हैं चाहे रामदेव बाबा का भी देखते हैं हम लोग देखिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब बनाते हैं तो मेरा अनुभव है कि जो घर में हम उपयोग करते हैं चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ा के लिए अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए और अभी जो भी पी रहे हैं कोई बोलता है मेरा पेट दर्द ठीक हो गया कोई बोल रहा है मेरा खांसी ठीक हो गया बोले मेरे को छाती में दर्द था मुझे उससे आराम हुआ मुझे सुन के मतलब बहुत ही राहत मिलता है कि सही में मतलब बड़ा मुश्किल से एक संजीवनी की तरह काम करेगा तो मैं तो सोचती हूँ कि इसको सबको पीना चाहिए और पी के इसका लाभ बताएं काढ़ा बना के तो बहुत फायदा बुझाता है आपसे पानी गिरता था वो भी कम गया है दवा दे दे के हम परेशान थे लेकिन कम गया इसी से पैर के दर्द भी कम गया है खांसी भी कम गया है इसमें अभी है जैसे तुलसी पत्ता है पुदीना पत्ता है तेज पत्ता है दालचीनी हल्दी पाउडर सौंठ और डली मिश्री है लेमन पाउडर नींबू का रस लवंग गोलकी अजवाइन और छोटी इलायची यही दें कि सब कोई भाई अपना ध्यान रखें भाई हर कोई हर कुछ नहीं बना पाता है लोग सोचते हैं हम बनाएंगे लेकिन ऐसा लगता है कुछ अच्छी चीज़ बन गई तो सबके घर घर जाए और सब कोई इसको पाएं पिए मतलब और इसका जो भी लाभ नुकसान और अगर उनको फ़ायदा हो रहा तो वो दूसरे को भी दें और बताएं ज़रूर से मैं चाहूँगी कि हर किसी को घर घर मिले और हर कोई पिए इसका लाभ उठाएं वीरमित्रपुर सहर रे थिबा मां समलेश्वरी मंदिर रे शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्षे नवदिनात्मक पूजा रो
सप्तमी पूजा सोमवार दिन अनुष्ठित होईछि। मंदिरर पूजक मृत्युंजय दास शर्मा नेतृत्व में चलता एक पूजा केन्द्रापड़ आसीथिबा पंडित गदाधर महापात्र सहयोग करुछंती। कोरोना जनित कटकणा जोगु एही पूजार्चना रे अल्प संख्या रे श्रद्धालु माने सामिल होइथिबा देखिबा को मिलिछि। नवरात्र पूजा उपलक्षे मंदिर को रंगारंग आलोकमाला रे सजा जाइछि। ढेंकानाळर वीरपुत्र बाजीराउतंकर 83तम शहीद दिवस ढेंकानाळ थिंकर्स फोरम पक्षरु पालित होइ जाइछि। ढेंकानाळर नीलकंठपुर ग्रामरे जन्म होइथिबा बाजीराउत मात्र 12 वर्ष बयसरे इंग्रेज मानक गुळीर शिकार होइ शहीद होइथिले। शहीद बाजीराउत ढेंकानाळर गर्व आउ गौरव तथा ए देशर सर्वकनिष्ठ शहीद थिले। एही अवसररे ढेंकानाळ थिंकर्स फोरम पक्षरु ढेंकानाळ सहर स्थित शहीद मीनारे बाजीराउतंक प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करी श्रद्धांजलि अर्पण करा जाइछि। एही अवसर रे शहीद बाजीराउतंकु भारत रत्न उपाधि रे भूषित कराजिबा पाई दाबी करा जाइथिला। एही कार्यक्रम रे फोरम रे सभापति सोमेन्दु शतपथी, उपसभापति निमेय चरण साहू, संपादक प्रकाश राउत, सामाजिक कार्यक्रम प्रमुख देवी प्रसन्न पाणी, सांगठनिक संपादक विश्वजित बराल, कोषाध्यक्ष वैकुंठनाथ द्विवेदी, प्रसार प्रमुख भोजराज साहू, वरिष्ठ सदस्य पतित पावन राउत, रामचंद्र देवता, सुशील कुमार नंद, उत्तम कुमार दासंक समेत फोरमर उपदेष्टा टंकधर बेहरा एवं दीपक प्रसाद पटनायक उपस्थित थिले। बाजीराउत होउछन्ति सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी भारत वर्षर। तांकर आज होउछि श्राद्ध दिवस, पुण्य श्राद्ध दिवस। ए श्राद्ध दिवस रे आमे दाबी करुछु जे तांकु भारत रत्न दिया जाउ, कारण एते कम बयसरे जणकर स्वाधीनता संग्रामी बाजीराउत तांकु आमे भारत रत्न दाबी करुछु। किंतु बड़ दुखर विषय, बाजीराउतंकर श्राद्ध दिवस एवं जन्मदिवस ये केवल दुईट फुलमाला गले देकरी समस्ते जाऊँच कि दुखर विषय ये जो पांच जनकर अच्छी आम मान तैलचित्र से देखिए चित्र उड़ीगला। गोपो आमर अच्छा नेताजी सुभाष बोस, अच्छा भारत माता, ये अच्छा आमर वीर वैष्णव पट्टनायक, आओ समस्त फटो देखिए मान दिशुना। किंतु ये जो स्मृतिस्तंभ अच्छी जो आम बाजीराउत यहाँ बर्तमान अवहेलित अवस्था अच्छी, लाइट जलूनी, एटी परिवेश ठीक से ना ये जो देखा एवं भागीगला मूर्ति रंग छाड़गला सब एत अवहेला कहीं कौन आमर पूज्य पूजार यहाँ हो निदर्शन। तेणु आज ढेंकानाळ गौरव नुहे, ढेंकानाळ प्रति एक हिनमानी अवस्था आज आम पुण्यात्मा मैंने अच्छा। तेणु यह ठीक भाव कर सुरक्षित भाव रखा जाऊ। बाजीराउत खाली जन्मदिन श्राद्ध दिवस फुलमाल दल हम ना प्रशासन। देवी प्रसन्न पाणी ढेंकानाळ थिंकर्स फोरम सदस्य जाओ, आज आम भाग्य जे ढेंकानाळ सर्वकनिष्ठ शहीद तिथि आम आसिक उपस्थित हो जहाँ देख लु बहुत व्यतीव्यस्त कर एवं आउ गोटे भल खबर जे जिलापालक सांगे आम रही आज किसी दावी उपस्थापन करूँ, कारण आम ढेंकानाळ बहुत वरिष्ठ जो मैंने जा सारे संसार फटो को आगे रखिकी फटोर तैलचित्र कि दिशुनी खाली कागज अच्छी ये डेंगूर जी सृष्टिकर्ता वायत्य छक डेंगू जी हो पानी पचा गंध हेठ बाहर तार उचित भाव में देखा देखा करने को आम सरकार दाबी करूँ। एवं जहाँ जिलापाल आसिक आम सांगे रही जदि ये करूँ तार उत्तर उत्तर किंतु उन्नति रखी सब ठीक ठाक चलो तार दायित्व नाक अनुरोध करुँ। आडभोकेट प्रकाश चंद्र राउत, ढेंकानाळ थिंकर्स फोरम संपादक। आज ढेंकानाळ बरपुत्र बाजीराउत को साधा दिवस, शहीद दिवस। ये दिवस आम बाजीराउत माल्यार्पण कलु, श्रद्धाजलि ज्ञापन कलु। बाजीराउत ये ढेंकानाळ मटीर पुओ, ढेंकानाळ मटी गौरवोज्वल होती। दुखर विषय जे आज किसी कुचक्री गोष्ठी बाजीराउत को लेकर विभिन्न कपोल कल्पोल कल्पित कथा कही सम्मान को मानहानी बा सम्मान को हानि करेणु से आज आम से निंदा करने सहित वीर बाजीराउत को विश्वर सर्वकनिष्ठ शहीद लगी भारत रत्न उपाधि भूषित करा जाऊ। यह ढेंकानाळ केवल ढेंकानाळ जिलार नुहे, यह समग्र ओडिशार समग्र भारतर दाबी जे बाजीराउत को भारत रत्न उपाधि भूषित करा जाऊ। जेपर्यंत बाजीराउत को भारत रत्न उपाधि न मिली से पर्यंत ढेंकानाळ थिंकर्स फोरम लड़ाई जारी रहिबो।
ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ସୋମେନ୍ଦୁ ଶତପଥୀ, ସଭାପତି ଢେଙ୍କାନ ଥିଙ୍କର୍ସ ଫୋରମ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆମର କହିଗଲି ଉପଦେଷ୍ଟା ଯେ ଏଥିରେ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉନି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ସିଧା ସତ୍ୟ କଥା ସରକାର କହିପାରିବେନି, ପ୍ରଶାସନ କହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ। ଅଦରକାରୀ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ଫଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିନିଷ, ବାଜି ରାଉତ ତାଙ୍କର ଭାରତରତ୍ନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। 2016 ମସିହାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ଗତ 16 ଅକ୍ଟୋବର 2017 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଏହି ଆଇନରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲାର ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 3 ମାସରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ପଦଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 22ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ୱାର୍ଡ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଟିର ଆବାହକ ବିନୟ ତିୱାରୀଙ୍କ ସମେତ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ଆବାହକ ଲମ୍ବୋଧର ମହାନ୍ତ, ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମନ ସିଂ, ଭାଗିରଥୀ ଦଳ ଦଲବୀର ସିଂହ, ତବରେଜ ଅହମ୍ମଦ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି 15 ଜଣ ନୂତନ ସାଥୀ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଭାର ସଞ୍ଚାଳନ ପାର୍ଟିର ମିଡିଆ ସମ୍ପାଦକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଇ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାମପାଲି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ନାମକ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟର ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଅଛି। ଗାରିଆମୁଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିବା ଭୁବନ କୁଜୁର ଓ ପିଣ୍ଟୁ ମାଝୀ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୁହା ଏବଂ ତମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କାବୁ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଇପିସିର ଧାରା 355/379/37 ଦଫାରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶେଷରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୋଟ 19 ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ମାସର 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧରି କାରଖାନା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡେପୁଟି ସିଏଲ୍ସି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି 19 ୟୁନିୟନର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 2 ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଡେପୁଟି ଲେବର କମିଶନର ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ସେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଗୋପାଳ ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଗାଙ୍ଗପୁର ମଜଦୁର ମଞ୍ଚ। ଆଜି ଡେପୁଟି ସିଏଲ୍ସି ଆମ ରିଜିନାଲ୍ ଲେବର କମିଶନର ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ଡକାଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଯେଉଁ 19
ଆମର ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା ଯେ 15 ନଭେମ୍ବରରେ ଭୋଟ୍ର ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନ 15 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏହାକୁ ଗାଙ୍ଗପୁର ମଜଦୁର ମଞ୍ଚ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ହେଉ, ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏଇଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୋଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି। କଲା ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିଅନ୍ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବର କମିଶନ ଅଫିସରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନିସନ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ବୋଧେ 15 ନଭେମ୍ବର ହେଇପାରେ, ହଁ 15 ନଭେମ୍ବର ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ଘୋଷଣା ଲେଟର ସେ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ରେକଗ୍ନିସନ କିଏ ପାଇବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ଅଲରେଡ଼ି C2 AI2C HMS BMS ଏସବୁ ୟୁନିଅନ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ର ୟୁନିଅନରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି NJCS ରେ। ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କରିବା କି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ NJCS, ବୁଝିଲେ ନା। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ସ ଟୁ ଚିଟ୍ ଦି ପିପୁଲ, ନଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦି ୱାର୍କର୍ସ, ୱାର୍କର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଏନି ବେନିଫିଟ୍, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଦେୟାର ମେମ୍ବର, ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପାଇବେ, ବୁଝିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଆଜି ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ୟୁନିଅନ ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇକି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆଜି DCLC ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ମିସେସ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକେଇଥିଲେ, ଇଏ ମିଟିଂରେ ଆଜି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯେ 15 ନଭେମ୍ବରରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ରାଉରକେଲା ମଧୁର ସଭା ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏଥିରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ରାଉରକେଲା ମଧୁସଭା ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଆସିବ ଏବଂ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ। ରାଉରକେଲାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କାର୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କାର୍ଟି କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ବେଦବ୍ୟାସ ରାସ୍ତାରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ 3 ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫମାନେ ହେଲେ କୁକୁଣ୍ଡ ବାହାଲ ସୁବ୍ରତ ଓରଫ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନନ୍ଦ, ରାଉରକେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଲିର ମୁକେଶ ଯାଦବ, ସେକ୍ଟର 3ର ବିଜୁ ନାୟକ ଓ ସେକ୍ଟର 15ର ଅଜୟ ନାୟକ ଓରଫ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ 62 କିଲୋ 165 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ, 1 ହୋଣ୍ଡା କାର୍, 1 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 4ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ରାଉରକେଲାରୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ କାର୍ରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ବେଦବ୍ୟାସ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାର ଏକ ଘରୋଇ କାରଖାନା ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ବେପାରୀମାନେ କାର୍ଟିକୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଅତିକ୍ରମ କରି କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ କାର୍ଟିକୁ କାବୁ କରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ର ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବେପାରୀମାନେ କାଗଜପତ୍ର ନ ଦେଖାଇ ପାରିବାରୁ ପୋଲିସ କାର୍ ସହ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଥିବା ପୋଲିସ DSP ଶାନ୍ତା ନୂତନ ସମାଜ ଗତକାଲି ଭୋରରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧଳା କାର୍ ଅମେଜ ହୋଣ୍ଡା କାର୍ଟା ସେଇଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରାଞ୍ଚି ପଟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଖବର ପାଇବାରୁ ଆମେ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଜଗିକି ଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାକୁ ଅଟକେଇକି ସେଥିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରୁ ତାଙ୍କଠୁ 62 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆର୍ମସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଗୁଳି ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଲାଣି।